अरे क्या पढ़ रहे हो अखबार में? क्या प्रश्न है देवी जी? अखबार में खबरें पढ़ी जाती हैं। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं कि अखबार में क्या होता है। क्या आता है अखबार में ये मत पूछो, इन दिनों क्या आता है? इन दिनों आता है मंदी, गरीबी, बेरोजगारी, हद है इन अखबारों में, कुछ रहा ही नहीं पढ़ने लायक। आखिर आदमी करे तो करे क्या? अरे बाबा, पर इसमें अखबार पे गुस्सा क्यों उतारते हो? हाँ, अखबार वाले तो वही छापेंगे ना जो दुनिया में हो रहा है। सच कहूँ तारक, ऐसे हालात में तो मानो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता। और मुझसे पूछो अंजलि, तो यही सही हालात है जीने के। अच्छा, मतलब ऐसे माहौल में भी आपको मजा आ रहा है? क्योंकि मैं दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता हूँ भाई। मैं तो दुनिया को देखता ही उल्टे चश्मे से हूँ, और मेरी निगाह से देखोगे तो आपको लगेगा कि यही सही तरीका है जीने का। आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स का हंस के मुकाबला करेंगे तो लाइफ वुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तभी तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। राइट? वेरी राइट। या भाई, या बंद करना या सिटी बजा के बात करने का। एक बार तेरे साथ सिटी बजा के बात क्या की, तू तो रोज चालू हो गए। आपने मुझे बुलाया? मैंने तेरा नाम पुकारा? नहीं। तो नहीं, आप सिटी बजा रहे थे तो मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। मैंने आज तक जिंदगी में कभी तुझे सिटी बजा के बुलाया है? कभी नहीं। तो नहीं, यानी मुझे ऐसा लगा कि आप आज जरा एंटिक मूड में है। अरे एंटिक नहीं, रोमांटिक। हाँ हाँ, वही, आप समझ गए ना? क्या? कुछ नहीं, मैं जाऊं। किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं। तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या 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 करके डरा मत। जेठा? हाँ बापू जी, यहीं पर है, आपको बुला रहा है। सुना मैंने। अरे बहू, मुझे बुला रहा है, सुना मैंने। तो चलो। हाँ बापू जी। अरे आज का अखबार पढ़ा तूने? बाजू की सोसाइटी में चोरी हो गई है। जी। अच्छा? हाँ, तो घर में वो गहने पैसा वगैरह कुछ ज्यादा रखना मत। अरे बापू जी, घर में गहने हैं, फिर तो उसको छुपाने पड़ेंगे। डोंट वरी मम्मी, टप्पू सेना के होते हुए कोई चोरी नहीं हो सकती। नहीं नहीं बेटा, मैं गहने चावल के डिब्बे में, शक्कर के डिब्बे में, सोफे के नीचे और बाथरूम के ऊपर माले में रख देती हूँ। तू कुछ भी कर, चोरों की चार आंख होती है, उनको पता चली जाता है। फिर भी वो चोरी करने आएंगे तो पकड़े जाएंगे। कैसे? देखिए, वो इधर उधर ढूंढेंगे, तब तक तो सुबह हो जाएगी और सुबह हम उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि सुबह तो हम उठ जाते हैं ना। तो ब्रश करके आप पकड़ेंगे या उसके पहले ही? देखते हैं, टाइम मिला तो ब्रश कर लेंगे। ये नॉनसेंस, ये भी तेरी माँ का आइडिया होगा ना, इधर छुपा उधर छुपा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर चलो, अभी सारे गहने बैंक के खाते में जमा कराते हैं। बैंक के खाते में पैसे जमा होते हैं, गहने नहीं दया। अरे क्यों, थोड़े दिन पहले आप बैंक के खाते में से ही गहने लाए थे ना? खाते में से नहीं, लॉकर लॉकर में से लाया था। अरे भाई, जो भी बोलते हो, तू अभी के अभी बहू के साथ जा और रखा। बाबूजी, अभी तो दुकान जाने में देर हो रही है, लेकिन मैं बाद में रख के आऊंगा बैंक में। चलो चलता हूँ दुकान बाबूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चल टप्पू। बाय पापा। चलो टप्पू बेटा, नहा लो। हंस, पूना सेमिनार में पहुंचते ही मुझे फोन करना, ओके? हाँ कर दूंगा, पर कोमल एक बात कहूँ? अरे लव यू टू। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरा नाश्ता तो बराबर रख दिया है ना? हंस,
दो बैग में से एक बैग में सिर्फ नाश्ता ही है। फिर ठीक है। अरे गोली कहाँ है? गोली बेटा, गोली। बेटा भाग के जाना, नाके से टैक्सी लेके आ, बोलना एयरपोर्ट जाना है। पापा आप मेरे लिए पूना से क्या लाओगे? अरे तुझे सब दिलाऊंगा जो तुझे चाहिए, पहले तू टैक्सी लेके आ, पक्का। अरे टप्पू के पापा सुनते हो? दया कुछ बोलना मत। मैंने बोला ना कल हम लोग जाएंगे, वो मेहमान को लोग मतलब स्टेशन पे छोड़ के आएंगे। कौन से मेहमान? अरे मेहमान 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 मेहमान। अच्छा सब्जी, आप गहनों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गहनों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि पूरी सोसाइटी वालों के सामने आपको ये कहूँ कि हम गहने लॉकर में रखने के लिए जाने वाले हैं। अरे मैं तो ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी मैं आपके शर्ट के पीछे की बाजू इस्त्री करना ही भूल गई। तो आप ऊपर आ रहे हैं कि मैं इस्त्री लेकर नीचे आऊं? वैसे इस्त्री गर्म ही है। अगर रहना देना भाई, तेरा साथ रह के दिमाग की इस्त्री हो गई है मेरी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे जीता भाई, ले डॉक्टर आती भाई। क्या बाहर कहाँ जा रहे लग रहा है? हाँ हाँ पूना जा रहा हूँ, सेमिनार है और कैंप भी। वाह वाह वाह, बोलो है। बहुत फैला दिया आपने तो अपना धंधा यहाँ भिड़े। बस आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं। आप दवा देते तो हम दुआ देते। अब दूसरा क्या है भाई, मैं तो मानता हूँ आदमी अपनी मेहनत और लगन से। सही बात है, पर एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट। कोमल गोली आया नहीं? आता होगा, तुम जो सोचो वो तुम कर ही सकते। आती भाई, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं आप? ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से जा रहा हूँ। ओहो फ्लाइट उड़ेगी? क्या मतलब, कितने बजे उड़ेगी, टाइमिंग क्या? बस दो घंटे बाद की है। पापा! अरे ये गोली रिक्शा लेके क्यों आ रहा है? ये गोली भी बारगांव से आ रहा है क्या? नहीं वो चिल्लाया इस तरह, जोक मार रहे हो हंसने भाई। गोली, अरे गोली तुझे टैक्सी लाने को बोला था बेटा, तू रिक्शा क्यों लेके आया? अरे पापा मैं बहुत देर तक खड़ा रहा पर कोई टैक्सी नहीं मिली, इसलिए रिक्शा लेके आया। पर तुझे तो मालूम है मैं रिक्शा में बैठूंगा कैसे। अरे भाई आप क्या नहीं बैठोगे, मैं आपको मेरे रिक्शा में बैठने नहीं दूंगा। अरे ए, 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 रोक रोक, एक बाहर 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 चल बाहर बाहर बाहर। देखो आरटीओ के नियम के मुताबिक तुम किसी भी पैसेंजर को मना नहीं कर सकते, तुमने मीटर डाउन किया है। आती भाई अब आइए बैठिए। भाई क्या आती भाई, आइए। भूल गया तो पिछली बार आती भाई रिक्शा में बैठ के आए थे, कितनी मुश्किल से उनको रिक्शा से बाहर निकाला था। जोर लगा के मान लो के चलो यहाँ से हमने हाथी भाई को रिक्शा के अंदर घुसेड़ दिया, लेकिन एयरपोर्ट पे इनको निकालेगा कौन? सही बात है। फिर क्या रिक्शा में पूना है? और क्या उनका सेमिनार हो और कैंप, वो सब रिक्शा में बैठे बैठे है? नहीं नहीं मैं दो हफ्ते तक रिक्शा में नहीं रह सकता है? तो ठीक है हाथी भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ूंगा। अरे मेरी स्कूटर पे। भाई जेठालाल मैंने हाल ही में स्कूटर रिपेयरिंग कराई है, 168 रुपए का खर्चा किया मैंने। हाँ आती भाई मैं आपको यूं छोड़ के आता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। भाई भिड़े है फटाफट, एयरपोर्ट छोड़ना रेलवे स्टेशन नहीं, मालूम है ना रास्ता एयरपोर्ट का? पता है पता है। ए तू निकल चल। ओहो इसने तो वाकई में सर्विस करा है, एक 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 में वो चालू हो गया स्कूटर। ऐसा ऐसा टर्न मार के लाओ, इधर इधर ऐसा खड़ा करो।
अरे ए भाई इधर लेना। बस बस रख दो। आओ सामान सामान रख दो। आइए आइए आदि भाई बैठ जाइए। आइए आइए ये लीजिए मेरे भाई। आइए आदि भाई ये संभालिए ना इसमें नाश्ता है। अरे लेकिन कौन अभी ये पीछे रख दीजिए ना आप यहाँ पे पीछे जो अरे थैंक यू जेठला भैया हाथ में क्या दे रहे हो पीछे रखो ना पीछे किधर से डिक्की में रख के ये डिक्की कितना छोटा भाई इसमें कहाँ बैग आएगा अरे जल्दी करो अरे ये तू क्या कर रहा है उठ 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 मुझे पापा को छोड़ने जाना है मैं घूमने जा रहा हूँ जितना हो सकता है उतना बैठो कम ऑन शाबाश हाँ संभाल के माजी स्कूटर अरे चलो चलो मुझे लेट हो रहा है अरे क्या लेट हो रहा है इधर टायर फट गया हाँ अब मैं जाऊंगा कैसे भीड़ भी इसका पूछा है भीड़ को तो क्या आपके स्कूटर है आपको पता चलना चाहिए ना आपकी जॉब वो क्यों हो यार देखिए ना सोनी भाई इनको एयरपोर्ट जाना है पहले ही लेट हो गए हैं और इनका स्कूटर पंक्चर हो गया ओ, उसमें क्या टेंशन है यार ओ, मेरी जीप बाहर खड़ी है मैं छोड़ देना इनकी फ्लाइट जीप मेरा वजन ले लेगी चलो चलो इसे कहते खाया पिया कुछ नहीं टायर पूरा 200 रुपया अरे नटू काका ये चेक अभी तक भरा नहीं छोड़िए सब काम बाद में पहले जाके चेक भर के आइए अच्छा जी हाँ आपने मुझसे कुछ कहा इधर आइए नटू काका सब काम बाद में पहले ये चेक में बैंक में डाल के आता हूँ हाँ गुड मॉर्निंग अंकल आओ भाई बोलो हाँ अंकल कोई अच्छे से मोबाइल दिखाइए मोबाइल तो सभी अच्छे ही रखते हैं हम लोग कितने वाला दिखाओ 10-12 हजार का 10-12 हजार में तो बहुत बढ़िया बढ़िया पीस है देखो एक तो ये है दूसरा ये एक आएगा और हाँ ये एक है अंकल ये मोबाइल एक मिनट हेलो मैं बोल रही हूँ वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसी आवाज और किसी की नहीं है थैंक यू अरे बोलना भाई फोन क्यों किया अरे हाँ अब अंजलि भाभी के साथ मैं ब्यूटी पार्लर जाऊँ हाँ तो जाना भाई उसमें मुझे फोन करके पूछने की क्या जरूरत है इसमें बैटरी की लाइफ कितनी है एक मिनट भाई हाँ बोल वो क्या है कि घर में थोड़ा जोखिम है गहने वगैरह तो सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं इसमें कैमरा कितने पिक्सल का एक मिनट भाई एक मिनट नहीं वो क्या है कि बापूजी भी घर पर नहीं है तो तू क्या चाहती है मैं दुकान छोड़ के घर पे आके बैठूं उसका ध्यान रखने के लिए ये अच्छा रहेगा अरे क्या अच्छा रहेगा इसमें एक ही मिनट भाई एक ही मिनट एक मिनट बताइए ना मैं क्या करूँ अंजलि भाभी अकेली ब्यूटी पार्लर जाएगी तो कैसा लगेगा दया देख तुझे जाना है तो जा नहीं जाना है तो मत जा इधर मेरे धंधे का टाइम खोटी मत कर भाई अंकल अरे भाई एक मिनट रुको ना भाई बोल रहा हूँ सब समझाऊंगा तुमको समझी तो अरे अरे भाई अरे हेलो ये दया ये देख तेरे फोन की वजह से मेरा 10-12 हजार का कस्टमर चला गया फोन ना कभी अरे भाई दया क्या करूं मैं तेरा सेठ जी 3:15 बज गए वो जीवन लाल का आदमी 25 लाख रुपए देने के लिए आने वाला था अभी तक आया नहीं वो आ जाएगा 3:30 बजे तक आ जाएगा उसका फोन था हा? देखो मैंने आपको याद दिलाया फिर मेरे पे मत चिल्लाना हाँ बाबा काम करो ना अपना हेलो अरे बोलो बोलो मालिक दिनेश भाई अरे जेठालाल ने जबान दिया है भाई आज आपको पेमेंट मिल जाएगा 25 लाख का ये क्या है मेरा एक 25 लाख का पेमेंट आ रहा है तो सामने में सीधा आपको भिजवा दूंगा ले क्यों किधर है आप ओ माउंट आबू घूमने गए हैं हाँ तो कभी आ रहे वापस एक हफ्ते बाद
चलो ठीक है, एक हफ्ते तक आपका 25 लाख में वापरता हूँ। अरे नहीं बापा, मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, आपका 25 लाख संभाल कर रखूंगा। हाँ आप आ जाएंगे ना तो भिजवा दूंगा, ठीक है? हाँ भला भला भाई, जय जिनेन्द्र। ले बोलो नटू काका, 25 लाख रोकड़ा अभी हफ्ते तक संभालने का है। संभालने का क्यों? बैंक में जमा करवा देंगे ना। क्या बैंक में जमा करवा देंगे? इतनी बड़ी रकम बैंक में जमा करवाएंगे ना तो सीए मेरा गला पकड़ेगा। सेठ जी, ए भाई अंदर नहीं आने का भाई, चलो बाहर बाहर चलो। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो आप जेठालाल भाई? आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? नहीं नहीं, मैं जीवन सेठ का छोटा बेटा हूँ, भाण जी। आपके 25 लाख रुपए देने आया हूँ। आप जीवन सेठ क्या बैठे हो के ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो क्या है ना, आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, आते जाते कोई भी लूट लेता है। हमारे एक दो आदमी को भी लूट लिया था, तभी हमने ये आइडिया निकाला, जब भी कोई पेमेंट देने जाओ ना तो ऐसे फटे हाल ही जाने का। तब से किसी चोर को हमारे पे शक ही नहीं जाते। वाह क्या आइडिया मारा आप लोगों ने। ये लीजिए आपका 25 लाख रुपया, गिन लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसमें गिनने का क्या, आप पे विश्वास है। ये 25 लाख में दुकान में तो नहीं रख सकता, इसको घर ले जाने के लिए इनका ये आइडिया अच्छा है। तो चलो सेठ। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसे शर्ट किधर मिलते हैं? मिलते नहीं है, बनवाते हैं हम। अच्छा आपको चाहिए? हाँ अगर आज के लिए मिल जाता तो। हाँ अरे अरे क्या करें फिर, आप कैसे जाएंगे? क्या है, अंदर मैंने अच्छा वाला शर्ट पहना है ना, अब तो क्या पेमेंट हो गया है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो चलता हूँ मैं। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, ऐसी फटी से शर्ट पहन के आप घर जाएंगे? हाँ क्यों, रिक्शा में बैठ जाऊंगा उसमें क्या? नहीं 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 सेठ जी, इतने पैसे लेकर रिक्शा से कभी घर जाना ही नहीं। एक बार क्या हुआ पता है आपको, मैं रिक्शा से घर जा रहा था, रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया और मारा भी। अरे लूट के तो चोर भाग जाता है, आपको मारा क्यों? जेब में से सिर्फ 5 रुपया 25 पैसा निकले इसलिए। मात्रे। यस बॉस। सोसाइटी बड़ी मालदार लग रही है। यस बॉस। गेट पे कोई वॉचमैन भी नहीं है। यस बॉस। और गेट पे जो दुकान है वो भी बंद है। यस बॉस। चले सोसाइटी के अंदर। यस बॉस। नजर ना लगे गोकुलधाम सोसाइटी वालों की किस्मत पे, अब चोरों की नजर पड़ गई है सोसाइटी पे। कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है ना कि जिस दिन बस में बगैर टिकट सफर कर रहे हो उसी दिन टिकट चेकर आता है चेक करने के लिए। और गोकुलधाम सोसाइटी वालों की किस्मत तो उससे भी ज्यादा खराब है। मान लीजिए टिकट भी खरीद लिया हो, बस पास भी हो इनके पास में, और टिकट चेकर आ जाए तो पता चले जिस पर्स में रखे थे वो पर्स ही चोरी हो गया। अब क्या करें जब किस्मत ऐसी हो, चोर क्या करेंगे जब गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएंगे। लेकिन एक चीज तय है, आप एक चीज कन्फर्म करेंगे, ठहाके लगाना, मेरे साथ लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। भगवान जल्दी पहुंचना है अभी, अंजलि बाबी। अरे अभी तक आए भी नहीं, अंजलि बाबी आई। अरे चलिए जल्दी कीजिए। अरे बाबा एक दो मिनट रुक जाओ बस। अरे 6 बजे के पहले हमें वापस आ जाना है, तब तक बापूजी भी आ जाएंगे। 6 बजे तक हम आराम से वापस आ जाएंगे, आप भी ना चलो। रुकिए रुकिए, ओहो आपका चैन तो बहुत अच्छा है ना। अच्छा है ना? हाँ। तारक ने दिया? हाँ। थोड़े दिन पहले ही बनवाया है। कितने का है? 30,000 रुपए का है। लगता नहीं। हाँ? मतलब इससे भी महंगा लगता है। सच? हाँ। मेरी फेवरेट गिफ्ट है। अब जल्दी चलो, आप ही को देर हो जाएगी।
अरे हाँ चलिए। पूरा सोसाइटी चेक कर लिया? यस बॉस। एक एक विंग में नजर डाली? यस बॉस। कोई खतरा? यस बॉस। मतलब नो बॉस। हाँ चलो। अच्छा वो बहुत मजा आ गया है ना? हाँ। ए, जड़ी के गले में सोने की चेन देख। अब आप जब भी ब्यूटी पार्लर जाए ना तब मुझे ले जाना पक्का। लगता है इस सोसाइटी का मुहूर्त यहीं से करना पड़ेगा। यस बॉस। चल चढ़कर। अंजलि बोलो। हेलो तारक, मेरा चेन चोरी हुआ। चोरी? हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ओके हाँ हाँ आ रहा हूँ। चलिए अंजलि भाभी। अरे भाई कितना मिक्स करोगे, दो ना अभी। अरे भैया जल्दी दो ना, मेरी बेल कितनी देर लगाता है। मेरा मस्त चमचमित बना है। क्या भाई, ना नींबू ना मसाला कुछ भी नहीं, इससे अच्छे भेल तो अगर बनाता है। देखिए आप घर पर आइए, शांति से बैठिए, आप डरिए मत। मुझे तारक ने वो चेन दी थी। उसमें क्या वो तो, अरे कोमल भाभी भिड़े बहन, अरे जल्दी आइए, सुनिए सुन रही हूँ क्या हुआ। अरे भिड़े बहन कोमल भाभी, अरे मैं और अंजलि भाभी यहाँ सोसाइटी का गेट के पास पहुँचे, तभी तीन चोर आए और अंजलि भाभी का सोने का चेन चुरा कर भाग गए। अरे दया भाभी, तभी चिल्लाना चाहिए था ना। अरे हम लोग वहाँ सोसाइटी के गेट के पास थे, वहाँ से चिल्लाती तो आप लोगों को कैसे सुनाई देता। भाभी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो तारक ने जो गिफ्ट दिया था वो चेन चोरी हो गया। वो बहुत महंगी थी क्या? अरे बाबा पूरे 30,000 रुपए का था। ओ भाई ये वही चेन तो नहीं जो आपने अभी भी बनवाई थी? हाँ वही है। ओ गॉड, कहाँ से ली थी आपने? मैंने मुच्छर ज्वेलर्स से खरीदी थी। हाँ ये मुच्छर ज्वेलर्स है ही पनौती, वहाँ से कोई भी चीज लो ना टिकती नहीं। क्या? अरे वो सब तो ठीक है, चेन कितना खूबसूरत था, मुझे भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन का वो चेन बनवाना था। अरे बबीता इतनी पसंद थी तो पहले बनवानी थी ना, अब क्या फायदा, अब तो चोरी हो गई। हाँ वही तो, अब मैं उस चेन का सैंपल भी कहाँ से लाऊं? अरे इनके चेन चोरी हो गई और आप लोग क्या बातें कर रहे हो ये? अब तो दिन दहाड़े चोरी होने लग गई। हाँ अरे हाँ, अब तो हम लोग सोसाइटी के आसपास भी गहने पहनकर निकल ही नहीं सकते। अरे सोसाइटी क्या, घर में भी हम लोग सेफ नहीं है। हंस भी उड़ गए। किसके हंस उड़ गए? हंसराज डॉक्टर साहब पूना गए हैं ना बाय फ्लाइट। कोमल भाभी आप भी ना, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा ना। हाँ यार है, हमारे सोसाइटी में तो वॉचमैन भी नहीं है तो। अरे मेहता साहब, अंजलि क्या हुआ तुम्हें, कोई चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आपने दी हुई वो चेन चोरी हो गई। वो चेन तो फिर दोबारा खरीद लेंगे अंजलि, लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। आपको पता मैं इतनी डर गई थी कि मेरी तो आज ही नहीं निकली। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ हम इत्मीनान से बात करेंगे, आओ घर चलो, आओ चलो, चिंता मत करो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोलो अभी क्या है? अरे गजब हो गया, अंजलि भाभी का सोने का चेन चोरी हो गया। क्या? हाँ
कैसे? हुआ यूं कि मैं और अंजलि भाभी जैसे ही ब्यूटी पार्लर के बाहर निकले, चेन चोरी हो गया? नहीं, अरे बाहर निकलते ही हमने सोचा कि क्यों ना आराम से बातें करते करते जाए, तो जैसे ही हमने चलना शुरू किया, चेन चोरी हो गया। अरे नहीं, आप पूरी बात को सुनिए। जैसे ही हमने चलना शुरू किया और सोसाइटी के गेट के पास पहुंचे और हेलो टप्पू के पापा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? अरे भाई तुम क्या हुआ, कैसे चोरी हुआ, बोल ना भाई सीधे सीधा। हाँ तो हम जैसे ही गेट के पास पहुंचे और तीन चोर आए और अंजलि भाभी का सोने का चेन खींचकर रफू चक्कर हो गया। अरे बाप रे, अंजलि भाभी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, अच्छा हुआ मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अरे फिर तो? अरे भाई बाकी की पूरी कहानी मैं रात को घर पे आऊँ तभी सुनाना, ठीक है? चलो तो फिर फोन रखती हूँ। अरे नहीं भाई, पकड़ के रख फोन। क्या अभी? मैं इतने टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। ये तो गजब हो गया, 25 लाख रोकड़ा घर लेके जाना है। जेठालाल ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कुछ करना होगा। मतलब टप्पू कह रहा है हमें सावधान होना पड़ेगा। ओके, सावधान। ऐसे सावधान नहीं होगी, चौकन्ना। हमें किसी भी तरह चोर को ढूंढना है। टप्पू सेना चोर को छोड़ेगी नहीं, क्यों फ्रेंड? यस। अच्छा सेठ जी, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ निकलो। ये तो क्या है, वो पद्मावती भोजनालय मेरा बंद हो जाएगा। हाँ निकलो। अरे सेठ जी, घर पे पहुँचते ही सीधा मुझे फोन करना, नहीं तो क्या है सारी रात मुझे आपकी चिंता रहेगी। नहीं, मैं फोन कर दूंगा आपको। हाँ एक मिनट, आप मुझे कहाँ फोन करेंगे? घर के नंबर पे मत करना, 2 दिन से बिगड़ा हुआ है। मेरे मोबाइल पे फोन करना। हाँ मोबाइल नंबर है ना मेरा आपके पास? है नटू काका, आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं मोबाइल पे फोन कर दूंगा। हाँ अभी आप जाइए। हाँ मैं हूँ नटू काका। अरे सेठ जी, अभी तक आप जा क्यों नहीं रहे हैं, खड़े क्यों हैं? अरे मैं रिक्शा की राह देख रहा हूँ नटू काका। क्या आप रिक्शा में घर जाएंगे? हाँ क्यों? नहीं नहीं सेठ जी, क्यों क्या? मैंने आपको दुकान में क्या कहा था? क्या कहा था भूल गए सेठ जी, याद करो। नहीं याद आ रहा, बोलो ना नटो काका, क्या कहा था? मैं रिक्शा में गया था तो मुझे लूट लिया था। तो फिर आप पैदल चलकर जाइए। यहाँ से घर तक पैदल? अरे तो क्या हुआ सेठ जी, चलिए मैं भी आपके साथ घर तक आता हूँ, आपको कंपनी मिलेगी, फिर वहां से निकल जाऊंगा पैदल। चलिए दोनों चलते हैं। नहीं नटू काका, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात, रिक्शा में जाना रिक्शा, मैं चल के ही घर जाता हूँ। बराबर है, भूलना मत, रिक्शा में मत जाना। नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा, चल के जाना। चल के आप जाओ। हाँ रिक्शा, गोकुल धाम सोसाइटी। पैसा है क्या? क्या मतलब? भाड़े का पैसा है? हाँ? मैं रिक्शा में गया था तो मुझे लूट लिया था। ये लुक्के, पैसा नहीं तो रुका है क्यों? हद है, शरीफ लोगों का तो जीना ही मुहाल हो गया, शराफत का जमाना ही नहीं है। मतलब कोई भी गले से चेन खींच के ले जाएगा ऐसे? हमारे सोसाइटी के आसपास दिन दहाड़े चोरी होनी नहीं चाहिए थी। ओ मतलब? ओ यानी रात को चोरी होना ठीक है? सोरी, मेरा मतलब है चोरी होनी नहीं चाहिए थी, चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन अब क्या करें, चारों ओर माहौल ही ऐसा है, हालात इतने खराब है। मेहता साहब, आजकल किसी को मेहनत नहीं करनी है, सबको झटपट अमीर बनना है। ऊपर से मंदी का माहौल, मुझे लगता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। करेक्ट। चलो आखिर में गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही गया। ये शर्ट पहन के अभी अंदर नहीं जा सकता, इसका काम हो गया।
इसको निकाल देता हूँ। लेकिन ये लेडीज लोग भी अब इतना कॉस्टली ऑर्नामेंट पहनकर जाना ही नहीं चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं ईयर साहब, ये कोई इलाज हुआ? यानी कि सड़क पे चलता हुआ कोई गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर दे तो आप सड़क पे हर गाड़ी को चलवाना बंद कर देंगे? ये क्या बात हुई, अगर औरतें ऑर्नामेंट्स पहन के नहीं घूमेंगी तो क्या हम क्या मर्द पहन के घूमेंगे? क्या बात करते हो यार, ये कोई बात है क्या? अरे जेठा आ गए। ओ जेठालाल। हाँ छोटे कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, तुम इधर आओ यार। अरे जेठालाल जल्दी आओ, पहले आता हूँ, दो मिनट आता हूँ। अरे बहुत अर्जेंट है, पहले इधर आओ, जरूरी काम है भाई, जल्दी आओ। क्या हुआ मेहता साहब? अरे क्या होना है यार। अरे जेठालाल मालूम है तुम्हें आज अंजलि के साथ क्या हुआ दिन में? हाँ, मुझे दया का फोन आया था दुकान पे, वो चेन चोरी हो गई ना। हाँ। तो पता चला किसने चोरी किया चेन? कहाँ पता चला, वही तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो पुलिस में कंप्लेंट किया? सोचा था, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट करने का क्या फायदा, चोरी का माल तो बरामद होता नहीं है, और वैसे भी पुलिस तो चुनाव के बाद वो वोटिंग मशीन की रक्षा में लगी हुई है ना। अरे ये मोहन लाल की गाड़ी है ना? हाँ। काफी दिनों बाद आई है, वो क्यों ना मोहन प्रा से बात करे? अरे हाँ छोटी बराबर बोल रहा है। सड़ला मिला तो चोर, उसको ऐसी सजा मिलेगी ना अंजलि भाभी, आप देखना। अरे भगवान है ऊपर, सब देख रहा है। सच में माधवी भाभी? हाँ। इस बार तो मैं भी कहती हूँ कि एक बार मुझे मिल जाए उसका कचुमा बना दूंगी मैं। मोहन भाई ना? ये मोहन भाई की गाड़ी है? हाँ हाँ ठीक है। अरे ए बब्बन, तू परेशान मत कर मेरे को। मोहनलाल भाई की तो बहुत पहचान है गुंडों में पुलिस में, तो पता चल जाएगा किसने चेन चोरी की है, बराबर है? चलो फिर बात करते हैं। आप पूछो, मैं जरा घर होके आता हूँ। नहीं नहीं तुम साथ चलो भाई, तुम्हारी बहुत जरूरत है। नहीं जेठालाल नहीं, तुम आओ। अरे आओ। देख मैं आज ही इंडिया आया हूँ, और तुझसे बोला ना मैंने पुलिस में NC लिखा दे। बहुत दिन बाद मोहन भाई वापस आए। चलो चलो। हाँ वो इंस्पेक्टर भोसले पाटिल सब मेरी पहचान के, समझा ना? हाँ 30 पेटी लगाया आज। चल ठीक है, अभी चपर चपर बंद कर, फोन रख। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मोहन भैया। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? वैसे तो मजे में भी है लेकिन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब वो अंजलि के गले से कोई चोर दिन दहाड़े इनकी चेन खींच के ले गया सोसाइटी के गेट के बाहर से। चोरी? हमारी सोसाइटी में चोरी? मोहन भाई की सोसाइटी में चोरी? किसने की? अब यही तो आपको पता करना है। अब आप अपने कॉन्टेक्ट से अगर कुछ ट्राई करके पता लगा दें कि किसने चोरी की और चेन वापस आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हेलो इंस्पेक्टर पाटिल, मैं मोहन भाई। वो क्या है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर अंजलि भाभी के गले से कोई चोर चेन झपट कर ले गया है, तो प्लीज़ ज़रा पता लगाइए कि ये नामाकुल हिमाकत करने की ज़रूरत किसने की है, प्लीज़ सर। थैंक यू पाटिल साहब, चोर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए इस सोसाइटी में कोई भी चोर आ नहीं सकता है। और आपको पता है मेरे घर में 20-25 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन आज तक किसी चोर की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर में घुसने की। और अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपकी चेन जरूर मिल जाएगी। थैंक यू भैया। देखिए अब मैं आ गया हूँ, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जाकर आराम से सो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भाई ने भी बोल दिया तो मैं चलता हूँ। चलो मोहन भाई ठीक है। ओके टेक केयर। सॉरी यार तुमको रोका जेठालाल, बाकी सब ठीक मोहन भाई। ओके हां चलो चलो चलो, चिंता नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। हां हां बेटा देती हूं। अरे टप्पू थोड़ी देर रुक जा, अभी जेठा आता ही होगा, फिर साथ में खाना खाएंगे। दादाजी जोर से भूख लगी है। देख टप्पू, दिन में एक बार घर के सारे सदस्यों को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ समझे। ले आ गया जेठा,
बेटा ये बगल में क्या रखा है? 25 लाख रुपए बापूजी। तो ऐसे क्यों रखा है? किसी को शक ना हो इसलिए। ये बबूचा, जिस तरह से तूने थैली पकड़ी है उससे तो किसी को भी शक हो जाए कि इसमें कुछ है। अरे आप नसीब वाले हैं कि किसी की नजर नहीं पड़ी, वरना जैसे अंजलि भाभी का चैन चोरी हो गया ना, वैसे आपका पैसा भी चोरी हो जाते हैं। वो सब छोड़, तू भी सुन। ये सब गहने बहने पहन के भी बाहर मत निकलना, समझी? और ये ले, ये 25 लाख जरा संभाल के रख दे। हाँ, ये 25 लाख रुपए मैं लाल मिर्ची के डिब्बे में छुपा दूंगी। क्यों लाल मिर्ची के डिब्बे में ही? क्योंकि जैसे ही चोर डिब्बा खोलेगा तो मिर्ची उसकी आंखों में उड़ेगी। और हम ये पैसे निकालने गए तो हमारी आंखों में मिर्ची नहीं उड़ेगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, ये पैसे ऐसी जगह छुपाऊंगी कि ढूंढने पर भी ना मिले। हमको भी नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तू सोचती कब है? उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। या नॉनसेंस। या भाई ए, तुम दोनों खेलना बंद करो, इधर भूख लगी है। हाँ बापूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं पैसे संभाल कर रख देती हूँ। ये 25 लाख में घर ले तो आया हूँ भगवान। मैंने ही आपको कहा था कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन ये मुसीबत अंजलि तारक मेहता पे आएगी सबसे पहले ये पता नहीं था। सोने की चेन लूट के ले गए चोर, मेहनत से कमाई हुई कोई चीज चोरी चली जाए, खो जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन अभी मसला सोने की चेन नहीं है, मसला है 25 लाख रुपए जो दया भाभी ने अपनी अकलमंदी से घर में छुपाए हैं। अगर ये बात चोरों को पता चल गई तो मुसीबत किस पे आएगी? जेठालाल पे, उन रुपयों पे या चोरों पे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक आप हमारे साथ हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। चाचा जी, अभी सिल्वर जुबली हो गई आज है। 25 बार कहा है आपको कि इस तरह सोसाइटी में कुल्ले मत किया कीजिए। ये भाई ए, तुझे भी मैं 25 बार बोल चुका हूँ कि जब मैं कुल्ले करता हूँ उसी वक्त तू नीचे से क्यों गुजरता है? भिंडी मास्टर कई फायदा नहीं है बोलून, पेशिस्त माता रहा है। ये भाई ए, रुक, ए, रुक, ए, रुक, 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 तू ये हमेशा बेशिस्त माता रहा बोलते रहता है, उसका मतलब क्या है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं बोल के जा। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल बोल के जा। ए, सेवा किया, ये भिंडी मास्टर अभी बेशिस्त माता रहा बोल के गया, उसका मतलब क्या है? गंवार बुड्ढा। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। भिंडी मास्टर भिंडी है, एक दिन इसके सर पे ही कुल्ले करूंगा। अरे टप्पू के पापा। अरे मैं तो अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तो बालकनी में जा रही थी। दया, रोज मैं दुकान जाने के लिए निकलता हूँ, तभी तो क्यों मुझे पीछे से टोकती है? मैं क्या करूँ, जब भी आप दुकान जाने के लिए निकलते हैं तब भी मुझे आपको कुछ न कुछ बात बताने का याद आ जाता है। अच्छा बोलो, अभी आज क्या याद है, जल्दी बोलो। हाँ, आपने कल रात को मुझे 25 लाख रुपए दिए थे, वो मैंने सही सलामत जगह पर छुपा दिया है। बढ़िया, क्या आप बता सकते हैं वो पैसे मैंने कहाँ पे छुपाए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं? जरूर, लाल मिर्ची के डिब्बे के अंदर। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था ना दया। हाँ वही मुझे याद आया, इसलिए पैसे मैंने वहाँ पर नहीं छुपाए हैं। तो कहाँ छुपाए हैं? वो पेपर की रद्दी होती है ना, उसके बीच में। ये डोबी, रद्दी के बीच में कोई 25 लाख रुपए छुपाता है? मान लो अगर तुमने वो रद्दी बेचने निकाली तो उसके साथ 25 लाख भी चला जाएंगे ना। मुझे वही याद आया, इसलिए मैंने पैसे वहाँ पर भी नहीं छुपाए हैं। तो फिर कहाँ छुपाए हैं? टप्पू की स्कूल बैग है ना, वहाँ नहीं छुपाए। अरे नहीं, उसमें ही छुपाए हैं। अक्कल है तुझे, अक्कल है।
टप्पू स्कूल बैग लेके कल स्कूल जाएगा तो स्कूल बैग के अंदर वो 25 लाख भी स्कूल जाएंगे। अरे टप्पू को 2 महीने की छुट्टी है तो 2 महीने तक स्कूल बैग घर पर ही रहेगी मेरी नजर के सामने। घर काम करते वक्त जब भी चेक करने का मन हुआ देख लिया स्कूल बैग सामने है सलामत है फिर से घर काम करने लगूंगी। दोबारा चेक करने का मन हुआ तो देखा बैग ठीक ठाक है फिर से घर काम करने लगूंगी। और अगर दोपहर को सोने का मन हुआ तो स्कूल बैग पहन के सो जाऊंगी। बोला बोला बालकनी में जा रही थी ना। हाँ? तो अभी क्या बाकी रह गया दया। अरे आपको जय जिनेंद्र कहना तो भूल ही गई। तो अभी यहाँ नहीं कह सकती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसी कैसी गेम खेलता है ये चोर पुलिस। अरे ये भी कोई गेम है खेलने की। इतना अच्छा सुविचार लिखता हूँ बोर्ड पर लेकिन इस टप्पू पर उसका कोई असर नहीं है। कौन सा फ्लैट है वो? टेरेस फ्लैट। मोहनलाल नाम है उसका। बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, पैसों की हेरा फेरी करता है, बहुत माल है उस घर में। अच्छा चलो एक अमीर को गरीब बनाते हैं। लेकिन बॉस दोबारा इसी सोसाइटी में चोरी करना कोई खतरा तो नहीं है? ये बंद खिड़की, जब तक एक जगह 3 बार चोरी नहीं करूं तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। चल बॉस, सोसाइटी में कोई नहीं दिख रहा है, फटाफट अपना काम खत्म करके यहाँ से कल्टी खाते हैं। चलो। अरे बंद खिड़की चलना। जल्दी चल, जल्दी चल। अरे अरे सॉरी अंकल। कहाँ गया होगा? चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो, चलो। या बस। एक और ये 2 3 4 5 5 पेटी का धंधा। कल 5 पेटी का हो जाएगा, ये हफ्ते का कोटा पूरा। ये क्या भैया, अब 250 भाव कैसे कर दिया आपने? हाँ, टप्पू के पापा की दुकान के पास तो 300 रुपए दर्जन मिलता है। अरे चुप, जिस तरह हम लोग अंदर आए पता नहीं चलता हम लोग चोर हैं। चोर? अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे कोई भी हो तू, तेरे से कोई लेना देना नहीं है समझा? हमको केवल माल से मतलब है। माल? अबे तेरे बाप का माल नहीं है। अबे देख तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। हाँ। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ, जानते कल कल अखबार और टीवी से जान लेंगे। ये क्या करा?
ये चले चल इसको उधर छोड़ दे ये शांति रख शांति रख शांति रख ये तंगू मंगू तुम देख जा जल्दी चल निकल खड़े रहे खड़े रहे अब मैं कहता हूं उनको बोल उधर नहीं जाने ये चुप ये निकाल इसका चल चल ये अबे चुचुंदर की औलाद निकालना ये रेस रेस निकाल ये फटाफट कर बे निकाल मुझे निकाल मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ निकाल अबे तो सेठ की औलाद है तू नाला बांध के देख वो निकाल उसको ये ये इसका चेन निकाल ये इसका ये ये घड़ी निकाल घड़ी निकाल घड़ी निकाल घड़ी निकाल बॉस ए सब उठा लिया मान हां ये तो छुछुंदर अच्छा नहीं होगा क्या कर लेगा बे अबे जा बे चल निकल निकल आगे छी मेरे घर में मुझे लूट कर ले गया अबे सोसाइटी में मेरी मेरी नाक कटवा दी सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए देखो भैया मैंने इन सबको आपके आम की तारीफ की थी इसलिए मेरी जबान पे ये लोग आम लेने के लिए आए हैं अब वाजिब दाम में दो तो सारे लोग दो दो डजन लेंगे तो 210 के हिसाब से ले लो मैडम डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है अरे ए, 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 भाई देख के चलो यार क्या कर क्या रहे तुम्हारे ये बेशिस्ता चोर चोर ये भागो यहाँ से चोर चोर बाबा ये चल पकड़ अभी उनके होली से तो वो चोर लग रहे थे चोर बच्ची चोर 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 शांत हो जाओ शांत हो जाओ अरे दया भाभी वो चोर भाग गए अभी चिल्लाने से क्या फायदा लेकिन ये चोर किसके घर में चोरी करने आए थे मैंने उन्हें मोहन अंकल के विंग में जाते हुए देखा था नहीं 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 मेरे घर पे नहीं आए थे अरे वो जिस किसी के भी घर पे आए हो लेकिन चोरी हुई है हाँ। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस कंप्लेंट की क्या जरूरत है अरे मोहन भाई कैसी बात कर रहे हैं आप अभी कल अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई थी तो आपने तो पुलिस पे कंप्लेंट की थी आज तो फायरिंग हुई है फायरिंग हमें पुलिस पे कंप्लेंट करनी चाहिए अरे अंजलि भाभी मैं हूँ ना डरने की कोई बात नहीं है मोहन भाई आप हैं पर मेरे ख्याल से आज तो पुलिस कंप्लेंट करनी ही चाहिए है ना हाँ हाँ सोसाइटी के सेफ्टी का सवाल है वही तो ओके ओके ऐसी बात है तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ है ओके ठीक है तो मैं जरा तारक को फोन करके आती हूँ हाँ हाँ मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ चलो चलो जल्दी हम ध्यान रखना सब लोग साथ में रहना कोई डरना नहीं है अभी कोई डरना नहीं सब लोग साथ में हाँ अग्रवाल जी हाँ तो वो 42 इंच का भेज दो ना तीन हाँ ठीक है भिजवा देता हाँ एड्रेस दिया आपने हाँ बोले बोले ये लो नटू काका आप बोल रहे थे ना 42 इंच का माल बिकता ही नहीं है ये देखो आज एक ही दिन में तीन तीन पीस का ऑर्डर है अरे वाह सेठ जी मुबारक हो सेठ जी मुबारक हो थैंक यू तो इस महीने से मेरी पगार बढ़ जाएगी ना नटू काका पिछले महीने धंधा कम हुआ था मंदी की वजह से तो अभी मैंने आपको पूरी पगार दी थी है? तो अभी पिछले महीने का और यह महीने का हिसाब करेंगे तो सब फिट होस हैं? आपने मुझे कुछ कहा मैं ये कह रहा था इस महीने आपको पगार नहीं मिलेगी मजाक मत कीजिए अभी यह कैसे सुनाई दिया नटू काका भी आइटम है हेलो टप्पू के पापा हमारे यहाँ चोरी हो गई है क्या हाँ और गोली भी चली क्या हाँ तू फोन रख मैं अभी आता हूँ नटू काका मैं घर जा रहा हूँ दुकान संभालिए हमारे घर पर चोरी हो गई है चोरी तो हो गई अब घर जाके क्या करेंगे अरे नटू काका जितना बोला उतना करो भगवान
यार मेरे को भी नहीं पता, चाचा जी यार ऐसे आ रहे हैं जो भी आए हो। अरे गली तक पहुंच गए यार, नहीं मालूम ऐसा ही है, फर्स्ट क्लास है यार। अरे चोरी हुई कहां, फटाक से आ रहे हैं यार, पुलिस अभी तक आई नहीं है। भाई सीधा खड़ा रहना, इधर क्या मेला लगा है? अरे हमारे गांव में तो 5 मिनट में पुलिस आ जाती है। हाँ, हाँ। और चाचा जी पर गांव की पुलिस यहाँ नहीं बुला सकते ना? ओए पापा जी, और कमाल है हमारी पुलिस भी है, सुबह चोरी होती है शाम तक आती नहीं है। अरे सोड़ी, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, देखा क्या जमाना आ गया है। अभी दिन दहाड़े हमारी सोसाइटी में चोरियां होने लगी है, गोलियां चलने लगी है। हाँ वही तो, कल भी जब अंजलि भाभी का चैन चोरी हो गया तब 3 चोर स्कूटर पर आए थे, और आज भी 3 चोर स्कूटर पर ही आए थे, कहीं ये वही चोर तो नहीं है? और अब्दुल, जब चैन चोर आ जाए तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे, और आज जब चोर आए और इतना गोलीबारी हो गया तब भी तुम यहाँ पर नहीं थे। यही तो वो क्या है ना, चोर लोग ना प्लान करके आते हैं। कल मेरी दुकान बंद थी तो लोग आए, आज मैं सामान लेने के लिए मैं बाहर गया तो लोग आए, अगर मुझे दिखते ना तो उनको पकड़ के मार मार के अचार बना देता। हाँ अब्दुल बहुत अच्छा होता, वो अचार माधवी पापी के काम आ जाता। दया 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 किधर है? अरे यहाँ यहाँ हूँ। अरे तो हाथ ऊपर करने पर इतने लोग में दिखाई नहीं दे रही है। पता क्या चोरी हुआ? पता नहीं। पता नहीं मतलब चोरी हुई तभी घर पर नहीं थी तू? नहीं। दया कितनी बार तुझे बोला है कि घर में रहा कर। अरे लेकिन हमारे घर पर चोरी नहीं हुई है। क्या? हाँ। तो फोन पे मुझे ऐसा क्यों बोला कि हमारे यहाँ चोरी हुई है? अरे हमारे मतलब हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है। ए भगवान दया, मैं कितना टेंशन में भाग के आया हूँ तुझे पता है, और दुकान ऐसे कैसे छोड़ के आया हूँ मैं? हाँ? अच्छा अभी हमारे घर पे नहीं तो किधर चोरी हुई? अरे जेठापरा वही तो टेंशन है, पता नहीं चल रहा किसके घर पे चोरी हुई है। ये क्या बात है, मतलब चोरी हुई वो पता है लेकिन किसके इधर चोरी वो पता नहीं है? हाँ। मैंने उन चोरों को मोहन भाई के विंग से निकलते हुए देखा था। मोहन भाई कहीं आपके घर पे तो वो? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर चोर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल यार, मेरा तो नेम प्लेट पढ़कर अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, आप तो जानते ही हैं। अरे 2-3 बार मैं खुद भागा हुआ हूँ। अरे लेकिन ये अच्छे लोग नहीं है ना? क्या भाई है? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरों की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग इधर ऐसे लटक के क्यों खड़े हो? ए बाबू चक, सब लोग पुलिस की राह देख रहे हैं। तो फोन किया पुलिस को कि ऐसे ही खाली राह देख के खड़े? अच्छा हुआ हमारे घर चोरी नहीं हुई। हाँ। अरे सब अचार की थैलियाँ मैंने बाहर ही रखी थी, चुरा लेता तो चोर के दांत खट्टे हो जाते, और क्या। क्या माधवी भाभी, अभी ये टाइम है सब अचार का बात करने का? वैसे मेरे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, पर डर तो लगता है ना। हाँ घर में कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन हाथी भाई के पास बहुत ज्यादा है, और वो तो अभी पुणे गए, बराबर है। तो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे चाचा जी भाग गए भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ब्रेकिंग न्यूज, गोकुलधाम सोसाइटी में जो अब तक नहीं हुआ वैसी 2 बड़ी घटनाएं हो गई। पहली घटना तो शेर की मांग में जाके उसकी मूंछ खेसने जैसी है। अरे मोहन लाल के घर में, मटका किंग मोहन लाल के घर के अंदर चोरी हो गई। और दूसरी घटना तो कमाल की हुई, अब तक गोकुलधाम सोसाइटी में पटाखे छूटते थे, अब फायरिंग होने लगी, बंदूकें चल गई, वो भी बच्चों के सामने। समझ में नहीं आता कि बच्चों के सामने इन दिनों क्या क्या होने लगा है। माँ बाप भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं बच्चों के सामने जो नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में गर्मी और गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपके लिए हम एक ही चीज बढ़ाएंगे, आपके होठों की मुस्कुराहट और ठहाके। हमारे साथ रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.